स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। लॉकडाउन का नया स्वरूप, जाहिर है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन अब रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर केंद्र ने सौंप दी है। लिहाजा सीएम शिवराज जनता को संबोधित करते हुए नए स्वरूप में क्या क्या रियायतें दी जाएंगी, इस संबंध में जनता को संबोधित करेंगे, जानकारियां देंगे। जाहिर है कि 56 दिन अब हो चुके हैं देश में लॉकडाउन की बात करें, लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, स्वरूप में भी बदलाव होगा, लेकिन जान के साथ जहान की भी फिक्र करना है, लिहाजा आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करने संबंधित जानकारियां इसमें दी जा सकती हैं। इसी पर आज चर्चा होगी लॉकडाउन 4 के स्वरूप को लेकर। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का स्वरूप तैयार किया जाएगा। रविवार शाम देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी गई थी। प्रदेश के रेड जोन वाले जिलों में, शहरों में पूर्व की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा। बाकी जिलों में लॉकडाउन का स्वरूप कैसा रहेगा, इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे। अनुमानित लॉकडाउन का स्वरूप, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अनुमति दी जाएगी। इसमें CPA, नगर निगम, PWD और निजी बिल्डर्स को पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए शासन द्वारा तय शर्तें लागू रहेंगी। मार्केट और कॉम्प्लेक्स में अलग अलग समय पर दुकानें खोली जाएंगी, इसके अलग से नियम बनाए जाएंगे। कपड़े की दुकानें और अन्य कमर्शियल दुकानें जिनमें भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, उनको 30 मई तक बंद रखा जा सकता है। CPA नगर निगम को पानी की सप्लाई, सीवेज पैच पर पार्क और गार्डन का मेंटेनेंस की अनुमति देने की योजना है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को होम डिलीवरी और पार्सल सप्लाई के लिए शॉप खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इन सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को उस सेक्टर का रहवासी होना अनिवार्य है। संबंधित सेक्टर के बाहर का कोई कर्मचारी या मजदूर को दूसरे सेक्टर में जाने की रोक रहेगी। हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। हॉटस्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN। लॉकडाउन का नया स्वरूप और इसमें कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। रेड जोन की अगर हम बात करें तो जिस तरह की खबरें चल रही हैं कि रेड जोन में हॉटस्पॉट कंटेनमेंट इलाकों को छोड़ दिया जाए तो जहां पर केसेस न के बराबर हैं वहां पर रियायतें दी जा सकती हैं। चर्चा करेंगे, दो मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, परिचय आपसे करवा देते हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है DNN पर। राजपाल जी, शुरुआत आपसे होगी कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, जब देश में लॉकडाउन पहली बार लगा था तो जाहिर है कि किसी को अंदाजा नहीं था कि ये 4 चरणों तक भी पहुंच सकता है, 31 मई तक अभी बढ़ा है, लेकिन स्वरूप में जरूर बदलाव होगा। एक तरह से ठीक है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर भोपाल और उज्जैन, इंदौर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में कहा जा सकता है कि स्थिति पर काफी हद तक काबू में हम हैं। अब ये जो लॉकडाउन का नया स्वरूप रहने वाला है, रेड जोन की बात करें तो यहां पर रियायतों की खबरें आ रही हैं कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट इलाकों को छोड़ दिया जाएगा। आपका क्या कुछ मानना है, आप कितने सहमत हैं इस दृष्टि से? देखिए, कल केंद्र की सरकार ने पूरे देश भर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का काम किया जी। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी 8 बजे हम सबको वाले हैं, वो पूरे विस्तार से सारी बातों को बताने वाले। परंतु मोटा मोटा जो ध्यान में आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो रेड जोन है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पाबंदियों के साथ खुलेंगे, ग्रीन जोन ऑरेंज जोन उनके लिए अलग नीतियां रहेगी, और मध्य प्रदेश कोरोना से लड़ते हुए किस प्रकार से फिर से गति पकड़े, कैसे यहाँ के उद्योग धंधे फिर से शुरू हो जाए, कैसे जनजीवन सामान्य हो जाए, इस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार एक विस्तृत प्लान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी आज रात्रि 8 बजे देने वाले हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता ने और विशेष करके मध्य प्रदेश के नागरिकों ने और यहाँ के समाज सेवी संस्थाओं ने लॉकडाउन का पालन बहुत अच्छे से करने का काम किया।
और उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में स्थिति काफी कुछ ठीक है, कुछ जिलों को छोड़ दे तो आप ये देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर कि यहाँ के हमारे कोरोना योद्धाओं ने भी अपने जान की बाजी लगाकर मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपना सर्वस्व देने का काम किया, और जब उन्होंने अपना सर्वस्व देने का काम किया जी, तो हमने भी उन्हें अप्रिशिएट करने का काम किया, जनता ने भी उनका अभिनंदन करने का काम किया, सरकार ने भी उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े रहने का काम किया। यह बात सही है कि यह कोरोना महामारी, यह वैश्विक, यह ग्लोबल वायरस, यह वैश्विक बीमारी, जब तक कोई इसका वैक्सीन नहीं आता तब तक हम सब लोगों के अपने जीवन शैली में इसके बचाव के उपायों को लाना पड़ेगा, चाहे वो सोशल डिस्टेंस, दो गज दूरी की बात हो, चाहे मुंह पे गमछे की बात हो, चाहे फिर त्रिकुटा चूर्ण के काढ़े की बात हो, ये हमको हमारे जीवन शैली में लाना पड़ेगा। परंतु साथ साथ में सरकार ने भी इस महामारी से बचने के लिए जो उपाय प्राथमिकता के तौर पर करना चाहिए थे वो मध्य प्रदेश की सरकार ने, मैं समझता हूँ, बहुत संवेदनशीलता के साथ करने का काम किया। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे, बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश पूरे देश भर का केंद्र है। चाहे प्रवासी हमारा मजदूर भाई श्रमिक बंधु दक्षिण से उत्तर की तरफ जाता है, चाहे पश्चिम से पूरब की तरफ जाता है माइग्रेट होकर, तो उसे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में से होके गुजरना पड़ता है, और ऐसे मध्य प्रदेश में से निकलने वाले श्रमिक बंधुओं की बड़ी संख्या है। हेलो हेलो जी, जी 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 बोलिए जी। हेलो राजपाल जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। डिस्कनेक्ट हो गए शायद जी। 123 सुदेश शर्मा। चलिए ठीक है राजपाल जी, हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा जोड़ने की। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, हम सुन रहे थे राजपाल जी को। लॉकडाउन 4 पर नए स्वरूप को लेकर चर्चा, सीएम शिवराज भी इसको लेकर जो रूपरेखा होगी जनता को संदेश के माध्यम से बताएंगे। रेड जोन की जहां तक बात है तो इस बार रेड जोन में कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर रियायतें दी जाएंगी। सीधा सा प्रश्न है शर्मा जी की, लॉकडाउन के बाद अब पहली बार, चूंकि 55-56 दिन बाद आप बात रखने के लिए डीएनएन के साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस मंच पर मौजूद हैं, 56 दिनों में आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में जो केसेस की संख्या है एक्टिव, वो लगभग 2350 के लगभग है। अगर इंदौर, भोपाल, खंडवा इन जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह ये केसेस जो है कहा जा सकता है कि हमने इस पर नियंत्रण कर लिया है इन इलाकों में? देखिए अंकुश जी, जहां तक हम समझते हैं, हमने पूरा अध्ययन किया हुआ है, 22 मार्च से हम लॉकडाउन में है, लॉकडाउन में होने के पहले 23 मार्च को 4 पेशेंट थे मध्य प्रदेश, और आज उनकी संख्या बढ़कर 5,500 हो गई, 250 लोग तो बढ़ चुके हैं, और जो फ्रंटलाइन वॉरियर से गर्मी में वो लोग भी शामिल है, पुलिस के अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्सेज, सोशल वर्कर्स, तो ये बड़ी खराब स्थिति है, मतलब हजम नहीं हुई है। सरकार अभी भी आज भी अपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनाएं कितनी मध्य प्रदेश के लिए है, इससे दिखाई दी कि सामने के लोगों को बुला के वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे, लोग आने जाने के लिए परेशान है, ट्रकों में लटके जा रहे हैं, ट्रैक्टरों में लटके जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, यहाँ तक हमारी माताएं बहने रास्ते में अपने बच्चों को जन्म दे रही है, उसके बाद 160 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लोग घरों में रह करके भूखे प्यास से, ठीक है हम और आप समय पर भोजन कर रहे हैं, सिर्फ लॉकडाउन में घर में है, लेकिन जिंदा तो है, सुविधाएं तो है, संसाधन तो है, उनका देखा जाए 7.5 करोड़ जनता के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनको आज भी राजनीति दिखाई दे रही, चुनाव दिखाई दे रहा है। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पूरा 7.5 करोड़ जनता, कांग्रेस जितने भी दल है सब आपके साथ खड़े हैं, माननीय मोदी जी के साथ खड़े इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप थोड़ा सा तो सोचिए कि आप इस समय राजनीति न करें, बाई इलेक्शन होता रहेगा। अरे हमारी तो ये स्थिति समझ लीजिए कि हम विपक्ष में है, लेकिन हम इस बात को समझते हैं सोचिए कि लोकतंत्र में कितनी महत्वता सत्ता की है, कम हो गई ही विपक्ष की है, तो रूम का के साथ जमीन रह रह करके हमारा ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता भी बिल्कुल आप देख सकते हैं, मीडिया में भी कई लोग दिखाई दिए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज भी राजनीति कर रहे हैं, इन्हें राजनीति से ऐसे समय बाद आना चाहिए, विधानसभा लॉकडाउन 4 का नहीं, लेकिन शर्मा जी दावा ये प्रदेश सरकार की तरफ से होता है कि प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए भी हमने व्यवस्था की है, उसके बाद उनके खातों में पैसे डाले गए हैं, इसके अलावा भी योजनाओं के माध्यम से बकायदा
पैसे समय समय पर पहुंचाए जा रहे हैं खातों के जरिए, राशन बकायदा वितरित किया जा रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो काम होना चाहिए, जिस स्तर पर होना चाहिए, जिस गति के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है? देखिए, अगर सरकार इस तरह का पूरा काम कर रही होती तो आप तो किसी भी हाईवे पर चले जाइए, हजारों मजदूर आपको पैदल नजर नहीं आएंगे। लोग चलते चलते, आज का बड़ा दुखद मामला है, बड़े बड़े टीवी चैनल पर आया भी, देखो एक लड़का अमित पैदल चला आ रहा था गुजरात से, शिवपुरी में आते हैं तो उसकी हालत खराब हो गए, उसके साथ के लोग सब चले गए, लेकिन भाई सयूब भाई उसके साथ रुक गए और उनकी गोद में उसके प्राण चले गए। आज वो डेथ बॉडी के साथ शिवपुरी में, अभी भी वर्तमान में इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं वो शिवपुरी में है, उसको भिजवाने की, उसकी डेथ बॉडी भिजवाने तक की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई, आपके लिए संज्ञान में हो गई है। सरकार की संवेदना इसी से समझ में आती है कि सरकार कितनी संवेदनशील। अब ये कहते हैं पैसा बांटा है, देखिए जिस तरह की योजना हम लेकर आए थे, ठीक है हमारी केंद्रीय सरकार नहीं बन पाई, वो योजना ऐसी थी कि हर व्यक्ति परेशान व्यक्ति गरीब मजदूर व्यक्ति के खाते में 7,500 रुपए हर महीना आ जाए, इस तरह की कोई योजना नहीं किया, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन उनका एक ऐसा अमाउंट हो कि 7,500 रुपए 8,000 रुपए, जिससे वो अपने घर में रह के नमक रोटी चलती रोटी तो नहीं खा सके। आज स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी है किसी ने छुट्टी नहीं है, अकेले कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों से भी लोग अपने प्राण छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, क्योंकि उनको समय पर उपचार नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों के हालात कैसे, अगर पीपीई किट्स बुलाते हैं, अगर ये टेस्टिंग किट बुलाते हैं तो उसमें ग्वालियर में 1,00,000 से ऊपर आई, जिसमें 63,000 खराब निकल गई। अब बताइए आप, आज भी ऐसे समय में जब महामारी का दौर है, पूरा देश अपनी तरफ से धन भी दान कर रहा है पीएम केयर फंड में, जो एक नया केयर फंड बनाया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, नया उनकी राहत, तो उसमें भी 3,800 करोड़ पहले से जमा थे, अब और जाने कितने बढ़ गए होंगे। और आज हालात ये है कि मध्य प्रदेश के लोग आज भी धंधा कर रहे हैं, 5 रुपए का मास्क 8 रुपए में खरीदी जाने की स्थिति बनती है, नकली दवाइयां आती है। 8 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आई थी कि जितने भी मेडिसिन और इक्विपमेंट आए सब नकली पाए गए, सारी मीडिया ने दिखाया। तो ऐसे टाइम पे भी धंधा करना, अगर लोगों को 70 किलो अनाज आपने 70 लाख जी 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 क्विंटल आपने अनाज बांटा, सुन लीजिए अंकुश जी मेरी पूरी बात, अनाज बांटा उसमें मध्य प्रदेश ने देखा कि हर 10 किलो के आटे के पैकेट में 7 से 8 किलो ही आटा निकला, पूरी मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के मीडिया में चलाइए। और वो ठेकेदार सप्लाई का ऑर्डर किसको मिला किसी से छुपा नहीं है, माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का करीबी व्यक्ति है, जिसने 11 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में भी जमा किए, नहीं पीएम केयर फंड में जमा किए, उसको ये आदेश मिला। तो आज इस समय भी पैसा कमाने के लिए सरकार के नुमाइंदे काम करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को चेत जाना चाहिए। आज आपके घर में बचा हुआ कुछ ये बात मध्य प्रदेश की जनता तक पहुंचना चाहिए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को समझ में आए कि क्या हो रहा है। आज आम व्यक्ति धंधे के लिए नहीं जा पा रहा है, 2 महीने से घर में पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, उनको घरों में जैसे कांग्रेस लेकर आई थी 100 यूनिट की दीदी पर दीदी 100 रुपए दीदी आएगी, अरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसे टाइम पर महामारी के समय में जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, ये आपका पैसा नहीं, आप लेकर आए थे ना कांग्रेस लेकर आई थी, जनता का पैसा है, जनता का पैसा ऐसे लौटा देना चाहिए। बिजली के बिल पूरे के पूरे कोरोना काल पे माफ कर देना चाहिए, कुछ नहीं जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत पैसा है हमारे देश के दान कर रहे हैं। ठीक है राजपाल जी, ये जो प्रश्न उठाया है स्वदेश जी ने कि ठीक है हम भी ये खबरें दिखा रहे हैं कि सरकार लगातार गरीबों के लिए राशन मुहैया करा रही है, फ्री में राशन भी दिया जा रहा है, लेकिन कालाबाजारी की खबरें हम खुद भी कई कई जगहों से निकलकर सामने आ रही है वो चला रहे हैं। कल ग्वालियर से मामला निकलकर सामने आता है जहां पर गरीबों को बांटने के लिए फ्री में जो राशन रखा गया था सरकारी सोसाइटी में, वहां का जो इंचार्ज था बकायदा उसे गाड़ी वाहनों में ढोते नजर आया और वो बेचते नजर आया, यानी कालाबाजारी के लिए वहां से लेकर निकला, किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो अब इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ठीक है सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है या बड़े अधिकारी जो है उनकी मंशा बिल्कुल साफ है, लेकिन जो निचले तबके के जो नुमाइंदे काम कर रहे हैं वो तो गरीबों के साथ छल कपट कर रहे हैं। अब ऐसे में गरीबों को तो यही लगता है कि सरकार ही हमारी ओर ध्यान नहीं दे रही। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हमारे सभी मध्य प्रदेश के नागरिक बंधुओं के लिए और विशेष करके श्रमिक बंधुओं के लिए संबल योजना के साथ साथ में प्रत्येक घर को जो है
तीन महीने का अग्रिम में राशन देने की व्यवस्था करी है, वो हम दे चुके हैं, दाल चावल गेहूं इत्यादि। और ये आपने एक पर्टिकुलर घटना बताई है कहीं ग्वालियर की, तो समाज के अंदर जो काम करते करते जो सिस्टम है, सिस्टम में कुछ इस प्रकार की दीमक है, ये कोई आज लग गई ऐसा नहीं है, पर इनसे सख्ती से निपटने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। अगर कोई दोषी है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित मानिए, आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर हमने, जैसा मैं पहले बता रहा था, अभी मेरी जो पहले राउंड में मैं बात कर रहा था, तो ये भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है इस प्रकार की बसावट है पूरे देश के अंदर से, कि जो भी मजदूर गण जो हमारे साथी है, चाहे वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, चाहे पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, ये जब निकल के जा रहे हैं तो ये मध्य प्रदेश के अंदर से पास आउट हो रहे हैं। और यह एक बड़ी संख्या मध्य प्रदेश के अंदर निकल के जाने का काम हुआ है। इसके लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है, लगभग 10,000 बसों के माध्यम से इनको जो है महाराष्ट्र की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा तक, या महाराष्ट्र की सीमा से छत्तीसगढ़ की सीमा तक, या छत्तीसगढ़ की सीमा से बिहार की सीमा तक, या उत्तर प्रदेश की राजस्थान की सीमा से और उत्तर प्रदेश की सीमा या बिहार की सीमा तक छोड़ने का काम ये पूरा हो रहा है। क्योंकि यह जो लोगों को जाने की व्यवस्था है, जो करना चाहिए थी, उन राज्य सरकारों को ट्रेन बुलाकर करना चाहिए थी, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग 260 ट्रेन बुलाकर और अपने मजदूरों को जो अन्य प्रांतों में थे उनको लाने का काम किया और यहाँ जो थे उनको छुड़वाने का काम किया, इस प्रकार से ये जो कांग्रेस शासित राज्य है, चाहे वो महाराष्ट्र हो सकता है, राजस्थान हो सकता है, छत्तीसगढ़ हो सकता है, इन लोगों को, इनको छुड़वाना चाहिए था, परंतु जब वहां की राज्य सरकारों ने इनको नहीं छुड़ाया तो इन श्रमिक बंधुओं का जो है सब्र का बांध टूटा और ये पैदल चल पड़े, और पैदल जब चल पड़े और मध्य प्रदेश के अंदर इनका प्रवेश हुआ तो फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने लगातार इन लोगों को छोड़ने की व्यवस्था, इनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था, ये सब हमने करने का काम किया है। और आप देखेंगे कि 2-3 दिन के अंदर ये पूरा क्राउड जो है ये बसों से जो है नियत स्थान पर मध्य प्रदेश से पास आउट कर दिया जाएगा। ये मध्य प्रदेश ने करने का काम किया, ये एक्सेस काम हमारे करवा गया, इसको हमने बखूबी करने का काम किया, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के अंदर से निकलने वाले हर श्रमिक के को भूखा प्यासा ना जाए, दवाई के अभाव में ना जाए, वो सड़क मार्ग पे पैदल ना चलना पड़े उसे, उसके लिए बसों की व्यवस्था करना चाहिए, ये सब काम मध्य प्रदेश की सरकार ने करने का काम किया है। इन दिनों में आप देखेंगे कि हमने जहां श्रमिकों के लिए उनके राशन देने की बात करी है, वहीं अगर मध्य प्रदेश के किसानों का जो गेहूं की फसल का उपार्जन करने का काम मध्य प्रदेश ने किया है वो सर्वाधिक और सबसे अच्छा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक गेहूं का उपार्जन करने का काम देश के अंदर किया है, सफलतापूर्वक किया है। किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए डालने का काम मध्य प्रदेश में हो चुका है। हमने मध्य प्रदेश के मजदूर बंधुओं के लिए के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत पैसा डालने का काम किया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत हमने ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कार्य इत्यादि की छूट देकर वहां पर रोजगार के साधन शुरू कराने का काम कर दिया है। और आज अभी देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 8 बजे आपके हमारे बीच में आने वाले हैं और वह मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश फिर से पटरी पे आए, इस बात को लेकर कई सारे जो है योजना बताने वाले हैं, कई सारे लॉकडाउन 4 के कानून नियम बताने वाले हैं। आप देखेंगे कि आने वाले अगले 15 दिन का ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन 4.0, इसके अंदर मध्य प्रदेश की हमारा जनजीवन काफी हद तक सामान्य होने की स्थिति होगी, परंतु ये वैश्विक महामारी है, जब तक इसका वायरस का जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक तो हमें इसको अपने जीवन शैली में लेते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज की दूरी, मुंह पे गमछा, त्रिकुटा चूर्ण का सेवन और तमाम सुरक्षा इस वायरस से बचने के वो उपाय हमारे जीवन में लागू करते हुए ही जीना पड़ेगा। इस कोरोना की जंग में इस प्रदेश के कई सारे कोरोना योद्धाओं ने अपना सर्वस्व बलिदान करने का काम किया है, उनके प्रति भी आभार करते हुए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के वो सामाजिक संस्थाएं और सरकार के साथ मिलकर जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में लगी हुई है वो साधुवाद के पात्र है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के तमाम नागरिकों के लिए कृत संकल्पित है, उनके अधिकारों के लिए, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, उनको रोटी मिले, उनको पानी मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, उनको घर में सुख सुविधाएं मिले, इस बात के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी कृत संकल्पित है और वचनबद्ध है। जी शर्मा जी बोलिए। देखिए अंकुश जी, जहां तक मैं समझता हूँ, वैसे तो मैं ये मानता हूँ आज के दौर में, महामारी के दौर में, ना कोई कांग्रेस है, ना कोई भाजपा है, ना कोई अन्य दल है, सरकार के साथ हर नागरिक 135 करोड़ जनता सरकार के साथ खड़ी है और सरकार का महामारी के दौर में कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, हमारे संविधान में ये व्यवस्था उल्लेखित की है
क्योंकि ऐसे समय में अगर उनको डायरेक्ट इस तरह की कोई योजना लेकर आए क्योंकि डायरेक्ट उसमें कम से कम 8-10 लाख रुपए उनके डायरेक्ट खाते में डाले जाए। हम देखते हैं अगर आपने गेहूं बांटे तो उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आपने आटे के 70 लाख पैकेट बांटे उसमें भ्रष्टाचार होगा। तो ऐसी स्थिति में हर जगह भ्रष्टाचार, दवाइयों भ्रष्टाचार, रोटी भ्रष्टाचार की बात कही हमारे, लेकिन अब कांग्रेस की बात कही तो कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने बहुत पहले जीता लिया था सरकार कोरोना से हमें बचाव करना है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नमस्ते ट्रंप में पूरी ऊर्जा लगा दी। जिस वक्त हमें वेंटिलेटर्स पीपी किट्स खरीदने की आवश्यकता थी उस वक्त क्या चल रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार पलटने के लिए विधायक खरीदे जा रहे थे। जिस वक्त हमें रणनीति बनानी चाहिए थी कोरोना से लड़ने की उस वक्त गरीबी छुपाए जाने के लिए गुजरात में दीवार बनाई जा रही थी। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब लॉकडाउन किया उसमें सिर्फ 4 घंटे का वक्त मिला, पता है 70-75% तक देश की आबादी गरीब मजदूर और कामगार लोगों की भरी पड़ी है, हर व्यक्ति गांव में निवास करता है, गांव से शहर की ओर काम करने के लिए जाता है। आज जिस बिल्डिंग में आप बैठे जहां आपका चैनल संचालित हो गया ये भी किसी गांव के मजदूर ने बनाया है, तो हर व्यक्ति काम के लिए निकल पड़ा है, काम के लिए रह रहा है। जब उसको 4 घंटे मिले लॉकडाउन, काम उसका कब तक चले, पैसा उस पर कब तक आए, लोगों को खाने के लाले पड़ने लगे, आवागमन के साधन ठप हो गए, तो लोगों ने सोचा अब मरना है ही तो घर जाके क्यों ना मरे, अपनों के बीच क्यों ना पहुंचे, तो लोग पैदल चल पड़े। पैदल चल पड़े सिर्फ इसलिए कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन किया, यही अगर पहले हो जाता। मध्य प्रदेश की बात करें तो जिस समय माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे आपको भी याद होगा 16 मार्च से 26 तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी थी माननीय कमलनाथ जी ने। उस वक्त शिवराज सिंह जी बोल रहे थे ये कोरोना नहीं कोरोना है, क्या ये कमलनाथ जी क्या कोई ज्योतिषी है, क्या भगवान है, क्या ईश्वर है, इस तरह की बातें कर रहे थे। जिस समय हमारी सरकार गई और आप मुख्यमंत्री बनकर आए तब 4 मरीज थे मध्य प्रदेश में 4, और आज 4,500 मरीज है और 250 से अधिक लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। आज भी मध्य प्रदेश की दशा ऐसी हो रही है कि अगर टेस्ट हो जाए तो ईश्वर न करे वुहान न बन जाए मध्य प्रदेश, हमें इस बात का डर है। तो सरकार को आज राजनीति करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आज सांवेर से बुला करके कांग्रेस के जो तुलसी सिलावट जी के साथी थे उनको आज ज्वाइन करा रहे थे, सब जगह फोटो वायरल हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय बालों से पेट नहीं भरेगा, बालों से लोगों की जान नहीं बचेगी, आपको करना पड़ेगा। सांवेर में अपनी चिंता करिए, बाहर आओ, मातम से बाहर आओ दुर्गेश जी। अब सरकार जा चुकी है, चलिए ठीक है, रीजन भी जाता है तो 13 दिन में सूतक खत्म हो जाता है, आपका सूतक ही खत्म नहीं हो रहा है, आप अभी भी रोना जाना आपकी नजरों में हम लगे हुए हो सरकार है, क्योंकि आप तो कहते ही हो भारत चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2014 में आए तो उनकी आंधी चली थी आंधी, आपको लात मार, और जब दोबारा चुनाव शुरू हुए विधानसभाओं के तो मध्य प्रदेश आपसे गया, छत्तीसगढ़ आपसे गया, राजस्थान आपसे गया, झारखंड आपसे गया, महाराष्ट्र आपसे गया, लगातार आप चले गए दिल्ली। चलिए मेरे पास समय खत्म हुआ, कांग्रेस जी जी अगर राजनीति कर रहे अभी अभी हम लॉकडाउन 4 को लेकर चर्चा कर रहे थे, लॉकडाउन 4 के स्वरूप को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय की कमी है। तो लॉकडाउन 4 के नए स्वरूप को लेकर सीएम शिवराज जनता को संदेश के जरिए क्या क्या रियायतें दी जाएंगी उससे रूबरू करवाएंगे। जाहिर है कि अब 56 दिनों का वक्त लॉकडाउन को भी बीत चुका है, चौथा स्वरूप आ चुका है, तो कुछ रियायतें रेड जोन में भी दी जाएंगी, लेकिन कंटेनमेंट हॉटस्पॉट इलाके जो हैं उन्हें छोड़कर चले देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले वक्त में ये जो महामारी का प्रकोप जो बढ़ रहा है उस पे नियंत्रण करने के लिए क्या कुछ उपाय खोजे जाते हैं, क्योंकि इसका इलाज जो है वो वैक्सीन है। लॉकडाउन के दौरान अगर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया तो ये लोगों ने भी अब इसे अपनी आदत में शुमार करना होगा, क्योंकि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना का जो तरीका है वो वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को तैयार करने या इसे खोजने की कोशिशें लगातार कई देश भी कर रहे हैं। चलिए फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, जीएनएन पर खबरें लगातार जारी हैं, नमस्कार।